तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट। तो इकोनॉमी के किस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर कमर्शियल बैंकिंग। और आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से भी ये चीज़ क्लियर है कि कमर्शियल बैंकिंग में पब्लिक सेक्टर्स का ज़्यादा रोल प्ले है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस मीन्स। तो देखिए सब्सटीट्यूशंस मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट, इसकी जगह दूसरा कुछ, है ना, हम सब्सटीट्यूट यूज़ करते हैं, इसकी बजाय कुछ और। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट का मतलब हुआ कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बाहर से इम्पोर्ट करा रहे हैं, फॉरेन से मंगा रहे हैं, उनको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू करें। मतलब ऐसी चीज़ें, जो चीज़ बाहर से मंगानी है ना, उसका कब कोई सब्सटीट्यूट हम ढूंढें जो कि हम अपने यहाँ पे ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने यहाँ ही बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। बाहर से मंगाने की बजाय उन ऐसा कोई और प्रोडक्ट यूज़ करें जो सेम चीज़, सेम फीचर, सेम क्वालिटी हमें दे रहा हो और वो हमारे डोमेस्टिकली वो अवेलेबल हो या प्रोड्यूस किया जा सके, तो उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसिंग इम्पोर्टेड गुड्स डोमेस्टिकली। मतलब जो भी गुड्स बाहर से मंगा रहे उसी जैसा कुछ गुड्स हम अपने यहाँ पे ही प्रोड्यूस करना शुरू करें, तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनांस विद द टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15 ईयर्स इज कॉल्ड। मतलब 5 से 15 साल, ये इस तरह का जो हमारा टेन्योर है उसको हम फिनांस में क्या कहते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर के लिए, राइट। जैसे कि हमारा इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गया, मतलब बिल डिस्काउंटिंग जिसे आप कहते हैं, फैक्टोरिंग हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेजरी बिल्स, ये सब क्या है? हमारे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं, लेस देन 1 ईयर होता है। मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए जो टेन्योर डिसाइडेड है वो कितना है? 1 से 5 साल का। 1 to 5 ईयर्स क्या होता है? मीडियम टर्म। लीजिंग वगैरह या हायर परचेजिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं आपकी मीडियम टर्म फाइनेंस में। जब बात हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की करते हैं तो जितने भी मोर देन 5 ईयर्स होते हैं ना, वो सारे फाइनेंस को हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, 5 to 15 ईयर्स रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, When there is a deadlock between the directors then, तो जब गतिरोध हो जाए किसके बीच में? निदेशकों के बीच में डेडलॉक की सिचुएशन आए तो उस समय क्या होगा? ठीक है, अब पहले तो समझिए डेडलॉक की सिचुएशन क्या होती है। डेडलॉक मतलब 50-50, ठीक, मतलब ऐसी जगह लॉक हो जाना कि आपके पास रास्ता ना हो, डेड लॉक। तो 50-50 की सिचुएशन होना मतलब कोई एक डिसीजन है, मान लीजिए आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर है, उस पर डिसीजन लेना था, ठीक है, तो दोनों डायरेक्टर में 50-50 की सिचुएशन हो गई। एक कहता है कि ऐसा करिए और दूसरा कहता है ऐसा मत करिए। अब डायरेक्टर्स में ही कोई चीज़ मेजॉरिटी नहीं हो पा रही है, 50-50 बट गया है, तो वो सिचुएशन क्या बनती है? डेडलॉक की सिचुएशन, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि किसकी बात माने? दोनों डायरेक्टर, मतलब जो भी डायरेक्टर्स हैं वो 50-50 की कंडीशन में आ गए। अगर 10 डायरेक्टर हैं, 5 एक कह रहा, 5 कुछ और कह रहा, तो वो जो सिचुएशन 50-50 की होती है दैट इज़ योर डेडलॉक सिचुएशंस। तो अगर डेडलॉक सिचुएशन हो गई डायरेक्टर्स की, मतलब डायरेक्टर्स मेजॉरिटी के बेसिस पे कोई एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? तो देखिए जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 179 में प्रोविज़न दिया गया है, और सेम कंपनीज रूल 2014 के रूल 8 में जो प्रोविज़न दिया, वहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर बोर्ड्स में डेडलॉक की सिचुएशन आती है तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड की जितनी भी पावर होती है उसको एक्सरसाइज करने का जो ऑथराइजेशन है वो किसको मिल जाता है? शेयर होल्डर को मिल जाता है। ऐसा सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, ठीक, और रूल 8 भी कहता है। तो उस हिसाब से जो आंसर हमारा फ्रेम होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेयर होल्डर्स में इंटरवेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो कौन आगे आ जाएगा? शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड की सारी पावर किसको एक्सरसाइज करने की पावर मिल जाती है? शेयर होल्डर्स को मिल जाती है। किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होल्डिंग कंपनी इज़ वन विच। होल्डिंग कंपनी कौन होती है? देखिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, मतलब कहते हैं ना जो मालिक हो गया, जो मेन हो गया। तो वो सिचुएशन कब होगी? उसके लिए कुछ कंडीशंस भी दी जाती है, जैसे जनरली कहा गया जो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। कंट्रोलिंग पावर का मतलब क्या हो गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशंस हैं वो जो कंपनी होल्ड कर रही है, मतलब जो एक कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन होल्ड करने की पावर आ जाए तो वो कंपनी क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी। या मैक्सिमम शेयर्स, शेयर होल्डिंग, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसके पास हो? उस पर्टिकुलर एक कंपनी के पास आ जाए तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाती है, राइट। तो उसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, होल्ड मोस्ट ऑफ द शेयर इन अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को जो होल्ड कर ले जाता है वो होल्डिंग कंपनी बन गई। जनरली कंट्रोलिंग पावर के रिगार्डिंग ये बात कही जाती है, वोटिंग पावर जिसके पास ज़्यादा हो जाए, राइट। तो कंट्रोलिंग पावर मैटर करता है, ठीक। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। तो कंपनी की डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज नहीं है। देखिए, स्टेजेस की बात करिए कंपनी के रिगार्डिंग, तो जो स्टेज होता है वो क्या होता है, प्रमोशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, ये कंपनी की डेवलपमेंट के स्टेजेस कहे जाते हैं। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन उसका स्टेज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट इन द ईयर। तो सेंट्रल बजट जो यूनियन बजट आता है ना, उस बजट से रेलवे बजट को किस ईयर में सेपरेट कर दिया गया था, कि रेलवे बजट अलग पास होगा और यूनियन का बजट अलग आएगा। ऐसा कब हुआ था? तो देखिए, आपकी एक कमेटी थी, कमेटी का नाम था एक्वर्थ कमेटी। एक्वर्थ कमेटी 1920 में कॉन्स्टिट्यूट हुई, ठीक। एक्वर्थ कमेटी 1920 में जब कॉन्स्टिट्यूट हुई, जिसके चेयरमैन थे सर विलियम एक्वर्थ, ACWORTH, एक्वर्थ, ठीक। तो ये जो थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो रेलवे है अगर उसको डेवलप करना है तो उसको बजट यूनियन बजट से अलग होना चाहिए, ठीक है, ऑटोनॉमी उसमें आनी चाहिए। तो इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे 1924 में पहली बार सेपरेटेड बजट आया था। सेंट्रल बजट अलग और आपका रेलवे बजट अलग आया था, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से हम आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1923 लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा करंट सिनेरियो के हिसाब से, कि 2016 वो हमारा लास्ट बजट था जब यूनियन बजट के अलग और आपका रेलवे बजट अलग आया था। 2017 ऑनवर्ड जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, यूनियन बजट में ही आपका रेलवे बजट मर्ज कर दिया गया 2017 से, क्लियर है। तो ये चीज़ भी आपको पता रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस इज कॉल्ड। उन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन आवर जो आपके सेशन, जो आपके सदन में पूछा जाता है, पार्लियामेंट्री जो सेशन होते हैं आपके, वहाँ पे जो क्वेश्चन आवर होता है आपका, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आवर के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्या कहते हैं, क्लियर है। अब पहली बात तो क्वेश्चन आवर क्या होता है ये समझिए। तो देखिए, हर पार्लियामेंट की जो सेटिंग होती है, ईच सेटिंग्स ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट सेशन, जो फर्स्ट आवर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं, क्लियर है। अब ये जो हमारा फर्स्ट आवर होता है, अब उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन आवर कहलाता है हमारा, उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, एक एक पहले जो ऑप्शन थे उसको समझ लीजिए। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मतलब अर्जेंस की बेसिस पे होता है, मैटर ऑफ अर्जेंस, जो कि पब्लिक से रिलेटेड होता है। पब्लिक मतलब पब्लिक के सिनेरियो में जो इम्पॉर्टेंट या बहुत अर्जेंसी के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चंस का जो जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होती है वो जो आंसर देती है वो ओरली देती है, क्योंकि ये अर्जेंसी से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, क्लियर है। अब एक आता हमारा स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका जो आंसर है वो एक्सपेक्ट किया जाता है ओरली, कि अगर मैंने कुछ पूछा तो आप उसका ओरली आंसर हमें दे देंगे। कौन दे देगा, कंसर्न मिनिस्ट्री दे देगी उसका ओरली आंसर, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या था, अनस्टार्ड क्वेश्चन, मतलब कि वो क्वेश्चन होता है जिन क्वेश्चंस के रिप्लाई ये एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो रिटर्न में आएंगे, क्लियर है, मतलब उसके लिए हम रिटर्न आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये अनस्टार्ड क्वेश्चन है। अब स्टार्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम ओरली क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आप लिखा ना आस्क्ड ओरली, ठीक है, तो जब हम ओरली क्वेश्चन पूछे थे तो रिप्लाई ओरली आया था हमारा, हम आंसर एक्सपेक्ट किए थे ओरली। अब उस क्वेश्चन के बाद हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री एडिशनली जब हमने क्वेश्चन पूछा, वो कहते हैं ना सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए, एडिशनल कॉपी चाहिए, तो जब क्वेश्चन ओरली पूछा गया था, आंसर ओरली एक्सपेक्टेड था और हमने एडिशनली ओरली क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सो आंसर विल बी ए। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, स्टार्ट क्वेश्चन के बाद। स्टार्ट क्वेश्चन के बाद पूछा जाने वाला क्वेश्चन ही क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो मॉडर्न में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है उनमें से इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, मूल्यांकन करते हैं किसी की परफॉर्मेंस का कि कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जो मैं अप्रेजल करते हैं उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम इसकी इवैल्यूएशन करके ये समझ पाएँ कि सैलरी इंक्रीज़ करना है कि नहीं। तो इंक्रीज सैलरी हम इसी इवैल्यूएशन के बेसिस पे करेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। हम उनको कितनी ट्रेनिंग की नीड है हम ये समझ पाएंगे, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। हमको प्रमोशन का डिसीजन जो लेना होगा कि किसका कितना प्रमोशन है, किस रैंक पे करना है, किसको डबल प्रमोशन करना है, किसको नहीं प्रमोशन करना है, ये ऑब्जेक्टिव भी मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हम सिस्टम है उससे हो जाता। पर डिमोशन का डिसीजन हमारा कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं, वो रिजल्ट होता है। इवैल्यूएशन का रिजल्ट डिमोशन होता है, पर ऑब्जेक्टिव कभी भी हमारा डिमोशन नहीं होता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सेक्टर प्लेज एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग द डैश रेट। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है आपका, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करेक्ट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पब्लिक सेक्टर का तो कभी रोल हो ही नहीं सकता है ना। वो बढ़ाना ही नहीं चाहेगा। एक्सेलरेट करना मतलब उसको तेज करना, एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ाना। तो अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं, इनइक्वालिटी कभी नहीं, पॉपुलेशन कभी नहीं। सो आंसर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर फाइनेंस्ड थ्रू। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके थ्रू फाइनेंस की जाती है। देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब कि जो भी मिनिस्ट्री है उसके अंदर, किसी मिनिस्ट्री के अंदर जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ है हमारी उनके अंदर आने वाले डिपार्टमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए रेलवे एक डिपार्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस एक डिपार्टमेंटल है, दूरदर्शन, प्रसार भारती, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं। तो इनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो जब इन मिनिस्ट्री को जब बजट एलोकेट होता है, इनको जो बजट बताया बनाया जाता है इनके लिए, उसी से इन डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए जाते हैं कि जो भी इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी इनका स्ट्रैटेजिक प्लान है वो उसको मिट आउट कर सके। तो यहाँ पर जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बजटरी एलोकेशन से आते हैं। जो बजट यूनियन बजट बनता है, जो बजट बनता है उससे हर मिनिस्ट्रीज़ को जाते हैं, मिनिस्ट्रीज से इनका डिपार्टमेंट को पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरीके से तो एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना। और इसीलिए बजट में पहले ही बनाया जाता है कि भाई किसको कितना पैसा चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट अपने बना के तैयार करके देती है, तभी तो उनको बजट में पैसे भी वैसे ही एलोकेट किए जाते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बजटरी एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वेज पब्लिश्ड बाई। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट होती है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पब्लिश की जाती है और हर साल की जाती है, एवरी ईयर। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फाइनेंशियल एडवाइज़र इज़ द हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना वो किस डिपार्टमेंट का हेड होता है। सो आंसर विल बी व्हाट, फिनांस। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है वो फिनांस डिपार्टमेंट का क्या होता है, हेड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है Public sector enterprises are expected to receive sufficient for the expansion from। तो जो public sector enterprises होती हैं वो सफिशिएंट फंड कहाँ से पाती हैं। तो सफिशिएंट फंड जो उनको अपने एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ओएनजीसी वगैरह हो गई या कोई भी पब्लिक सेक्टर जो भी कंपनीज़ है ना, तो उनको अगर अपना एक्सपैंड करना, बढ़ाना है तो उसके लिए बजट नहीं पास होगा कि जो बजट में एलोकेट हुआ वहाँ से इनको दिया जाए। कंपनीज़ हैं, अपना प्रॉफिट कमाएँ, अपने प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग करें, अपना एक्सपैंड करें। सो इट विल बी आंसर सी, इंटरनल सोर्स।